एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। ओके, तो इस एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में आता है कॉटन, जूट, सिल्क, वुल, टेक्सटाइल, एटेबल ऑयल एक्सेट्रा। ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के रॉ मटेरियल्स हैं। ओके, तो आइए एक एक करके हम इन सारी इंडस्ट्रीज के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले आते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है एक यूनिक पोजीशन रखती है इंडिया में, इंडियन इकोनॉमिक्स में। इसका कंट्रीब्यूशन भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस में अलग है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग में ये एक अच्छा मुकाम रखा हुआ है, अच्छा मुकाम रखा हुआ है। ओके, ये ही एक इंडस्ट्रीज है जो बहुत ही सेल्फ, मतलब इंडिया में सेल्फ रिलायंट और कंप्लीट वैल्यू चेन प्रोवाइड करवाती है अपने रॉ मटेरियल्स के हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के कारण। ओके, अगली इंडस्ट्रीज है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। एंशियंट इंडिया में भी इंडिया के कॉटन टेक्सटाइल्स पूरे वर्ल्ड में बिकते थे। इसके जो हैंडलूम वेविंग्स टेक्निक्स हैं, खासकर 18 सेंचुरी तक दुनिया में जाने माने जाते थे। इसके जो पावर लूम्स का जो यूज़ किया जाता है, ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्रीज़ है, 18 सेंचुरी के बाद, मतलब जब ब्रिटिशर आ गए, तब ये इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया कॉलोनियल पीरियड में। ये अपना जो स्टेटस है वो खोता चला गया, क्योंकि इंग्लैंड में जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन आया और वो इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में भी इफेक्ट करने लगा, और इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में आने के कारण ये हैंडलूम, ये कॉटन टेक्सटाइल्स अपना स्टेटस खोता चला गया, ठीक है। शुरुआत समय में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो थी वो सिर्फ कुछ ही जगहों में जैसे महाराष्ट्र गुजरात में ही अवेलेबल थी, क्योंकि कॉटन जो रॉ मटेरियल है वो उसके आसपास के क्षेत्रों में ही उगता था, और उगने के बाद अगर दूर भी था तो उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता था उन जगहों में, ठीक है। एक्चुअली जो ब्लैक सॉइल है उसका क्लाइमेट फेवरेबल होता है कॉटन को उगाने के लिए, और वो क्लाइमेट हमको महाराष्ट्र गुजरात में देखने को मिलता है। इसी कारण इंडस्ट्रीज़ भी वहाँ पे लोकेट कर दी गई थी ताकि आसानी से रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जा सके। शुरुआती समय में गिनीज, स्पाइनिंग, वेविंग्स, ओके, इन सारी चीज़ों के द्वारा प्रोडक्शन किया जा रहा था। इसके अलावा इन सब के होने के बाद डाइंग, डिज़ाइनिंग, पैकेजिंग, टेलरिंग, स्विंग, ये सारे प्रोसेस के बाद कॉटन मटेरियल बनता है। आज ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रीज़ में एक साथ हो जाती है। इसके बाद केमिकल्स, डाई आ गए हैं जो कि इंजीनियर वर्ग द्वारा कॉटन कपड़े को बनाते हैं। अब जो सेंट्रलाइज लोकेशन था महाराष्ट्र और गुजरात, तमिलनाडु का, वो भी अब डिसेंट्रलाइज हो चुका है, ठीक है। अब कॉटन के अलावा बहुत से इम्पॉर्टेंट और भी फैब्रिक्स हैं जो इंडिया से बाहर देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जैसे सिल्क है, जरी, एम्ब्रॉयडरी, ठीक है। इंडिया का जो एम्ब्रॉयडरी है, जरी है, वो वर्ल्ड क्लास माना जाता है, जो कि हैंडमेड होता है। इसके अलावा इसकी क्वालिटी ऑफ यर्न्स जो है इंडिया की, वो भी बहुत ही अच्छी है। वेविंग्स जो हैंडलूम्स किया जाता है मशीनों के द्वारा और हाथ से किया जाता है, उसमें बारीकी काम और क्वालिटी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा ये एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, लोग घर बैठे भी इन सब कामों को कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया में, इंडिया का जो कॉटन है वो रॉ मटेरियल या फिर फिनिश गुड है, वो भी एक्सपोर्ट किया जाता है जापान और अदर जैसे कंट्रीज़ में, ठीक है, जैसे यूके है, रशिया है, फ्रांस है, इसके अलावा नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और अफ्रीका में कॉटन बेचा जाता है, मतलब एक्सपोर्ट किया जाता है। ये वर्ल्ड ट्रेड में कॉटन यन को बहुत ही ज़्यादा इंडियन इकोनॉमी को शेप में लाता है, ठीक है। स्पाइनिंग मिल्स आज आ चुकी है ग्लोबल लेवल पर, हमें कम्पीट करना है तो हम उस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं और बेचते हैं। इसके अलावा जो हाई क्वालिटी ऑफ यन्स है उसका प्रोडक्शन भी हमारी कंट्री में होता है। मॉडर्न फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश कर ली गई है ताकि बड़े पैमाने पे हम कॉटन के प्रोडक्ट्स को बेच सकें। ओके,
है ना। आइए अब हम देखिए, आप ये मैप देख रहे हैं, मैप में कहाँ कहाँ पे कौन सी कॉटन टेक्सटाइल है, सिल्क टेक्सटाइल है, वुलन टेक्सटाइल है, वो डिस्क्रिप्शन में पूरी तरीके से दिया हुआ है, डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। इसके अलावा ये कॉटन जो है वो बहुत ही स्मॉल स्केल फैक्ट्रीज जो लोकल मार्केट्स में वहाँ पर इस्टेब्लिश किए गए हैं। इसका मेजर ड्रॉबैक ये है कि ये उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते जितना कि देना चाहिए। ओके, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कई जगह ऐसे स्मॉल यूनिट्स में प्रॉपर क्वालिटी नहीं मिल पाती कॉटन फैब्रिक्स को जो उस कॉटन से आनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ फ़ायदे भी हुए हैं कि जो स्मॉल यूनिट्स हैं उसके कारण इंडियन इकोनॉमिक शेप ले पा रही है। जो स्टेपल कॉटन्स हैं उसकी बेल्ट, प्रॉपर बेल्ट बन गई है जिससे बने हुए जो कॉटन प्रोडक्ट्स हैं वो दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इनकी पावर सप्लाई में गवर्नमेंट मदद करती है, इसको अपग्रेड करने में, इनकी टेक्निकली जो अपग्रेड करना है उसके लिए भी गवर्नमेंट पूरी तरीके से हेल्प करती है इनकी। ओके, है ना। और जो सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज आई है जिसके कारण आज कॉटन की डिमांड कम हो गई है और लोग सिंथेटिक फाइबर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आज बहुत बड़ा ऐसा तबका है जो आज भी कॉटन कपड़ों को प्रेफर करता है। आइए अब हम जूट टेक्सटाइल के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। जूट टेक्सटाइल एक लार्जेस्ट, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का। जूट जो है वो सेकंड, बांग्लादेश के बाद इंडिया सेकंड पोजीशन में आता है जो जूट प्रोड्यूस करता है। जूट की खेती ज़्यादातर वेस्ट बंगाल और उसके आसपास ही उसकी इंडस्ट्री देखने को मिलती है जो हुगली नदी के नैरो बेल्ट में स्थित है। ओके, फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल्स हैं वह कि हुगली का जो बेसन है वो जूट प्रोडक्शन एरिया के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जूट का जो रॉ मटेरियल है, जो जूट की खेती होती है वो उसके आसपास की जगहों पे होती है, वहाँ से ट्रांसपोर्ट करना, वहाँ गुड एक अच्छा रेलवे नेटवर्क है, रोडवेज है, वाटरवेज भी है, जिसके द्वारा हम जूट से बनी हुई चीज़ों को बाहर देश में भी बेच सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे चीप लेबर, जूट को बनाने वाले, उगाने के लिए बनाने और उसकी फैक्ट्री में काम करने के लिए वेस्ट बंगाल में सस्ते लेबर्स हमको मिल जाते हैं। इसके अलावा उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, कलकत्ता और भी बहुत से अर्बन सेंटर है जहाँ पे जूट की खेती होती है। ओके, पर कुछ चैलेंजेस जो इंडस्ट्री आज के डेट में फेस कर रही है इंटरनेशनल मार्केट में वो है कि सिंथेटिक जो फाइबर्स हैं वो एक टफ कंपटीशन दे रहे हैं जूट को, साथ में साथ हम लोग बोल सकते हैं कि कॉटन को भी। बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट, थाईलैंड, ऐसे देशों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें जा रही है जो जूट जैसी खेती पर निर्भर थे। इंटरनली डिमांड उतनी नहीं हो पाती, इसलिए गवर्नमेंट जो पॉलिसी है वो जूट पैकेजिंग के ऊपर उसको वो उतना इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं। डिमांड जो है प्रोडक्ट्स का वो आज भी बना हुआ है पर डाइवर्सिफाई है, एक समान डिमांड नहीं है, कम ज़्यादा होता रहता है। जो उसका मेन मार्केट है वो US है, कनाडा है, घाना, सऊदी अरेबिया, जहाँ पे सऊदी अरेबिया, UK और ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे जूट की मांग आज भी बनी हुई है। ग्लोबली अगर हम देखें तो ये बहुत ही फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल है, ऐसा सिंथेटिक फाइबर जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, प्लास्टिक नहीं होता, और सिंथेटिक फाइबर भी इतनी जल्दी बायोडिग्रेडेबल नहीं हो पाते, इसके बारे में हम आगे के वीडियोस में भी बात करेंगे। तो एक जूट जो है बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। लास्ट जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है वो है शुगर इंडस्ट्रीज। इंडिया सेकेंड पोजिशन में आता है शुगर प्रोड्यूस करने के लिए, फर्स्ट प्लेस ऑक्यूपाई किया है गुड़ और खंसारी बनाने के लिए, ठीक है। रॉ मटेरियल जो होता है इंडस्ट्रीज का वो बल्क अमाउंट पे, जैसे शुगर की जो खेती है वो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में होती है, साथ साथ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश में शुगर केन की खेती की जाती है, जैसे शुगर बनता है। 60% जो मील है वो उत्तर प्रदेश, बिहार में है। इंडस्ट्रीज जो है वो सीजनल में काम करती है, क्योंकि शुगर के उगने का समय फिक्स होता है, वो साल भर समय लेता है, और इसे हम अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं
क्योंकि शुगर का जो उगने का है, इसका हमने क्लाइमेट चैप्टर में पढ़ा था कि शुगर किस तरीके से कौन से मौसम में उगता है, तो उस एग्रीकल्चर चैप्टर में आप इसको इसकी जानकारी इकट्ठा कर सकते हो। तो रिसेंट ईयर में हमने देखा है, ठीक है, रिसेंट ईयर में हमने देखा है कि जो टेंडेंसी है मेल्स की वो शिफ्ट हो रही है कहाँ पे, सदर्न और वेस्टर्न स्टेट में। महाराष्ट्र, खासकर महाराष्ट्र है वो आज हाईली प्रोडक्शन एरिया में आ रहा है, जो प्रोड्यूस शुगर प्रोडक्शन में आगे बढ़ रहा है। शुगर को उगाने के लिए कोल्ड क्लाइमेट चाहिए होता है, लॉन्गर क्रशिंग सीजन चाहिए होता है। इसके अलावा कुछ अच्छी टेक्निक का इस्तेमाल करके शुगर को उगाया जा सकता है। शुगर केन में, शुगर की फैक्ट्री में मेन चैलेंज है इसका सीज़न, क्योंकि शुगर की खेती एक सीज़न में ही होती है, उसको पूरे साल भर नहीं की जा सकती, ठीक है। ये अभी भी इसका मेथड जो है उतना इफ़िशियंट नहीं है जितना प्रोडक्शन में होना चाहिए। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन बहुत डिले हो जाता है, और भी कुछ फैक्ट्री फैक्टर्स हैं, बैगेजिंग और कॉस्ट मैक्सिमाइजिंग, ये सारे फैक्टर्स शुगर फैक्ट्रीज को इन्फ्लुएंस करते हैं।